सभी को नमस्कार। मैं कुपेंद्र आर राठौड़, हिंदी विषय सहायक प्राध्यापक, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय हुलसूर, जिला बिदर। प्रिय छात्रों, गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी NEP सिलेबस के तहत आज हम BFSA में जो कहानी रखा गया है उस कहानी के ऊपर अध्ययन करेंगे। तो कहानी है पोस्टमैन, कहानीकार है शैलेश मटियानी। पोस्टमैन जो कहानी है उस कहानी के कहानीकार शैलेश मटियानी है। सबसे पहले हम शैलेश मटियानी के जीवन परिचय से आपको अवगत कराएंगे। शैलेश मटियानी का जन्म 14 अक्टूबर सन 1931 में अल्मोड़ा उत्तराखंड में उनका जन्म हुआ। उनका जो मूल नाम है रमेश चंद्र मटियानी है और कहानीकार का मृत्यु 24 अप्रैल 2001 में दिल्ली में हुआ। कहानीकार शैलेश मटियानी ने कवि, लेखक, उपन्यास के रूप में वह अपना काम किया है, अपने कलम चलाया है। शैलेश मटियानी जी के टोटल कुल 30 उपन्यास हैं, 28 कहानियां हैं, 9 लोककथा हैं, 16 बाल कथाएं और 13 निबंध भी उन्होंने लिखा है। इनके जो प्रमुख जो पुरस्कार की अगर बात किया जाए तो बोरीवली से बोरी बंदर तक जो उनका प्रसिद्ध जो उपन्यास रहा है उसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें नवाजा है। उनकी जो कहानी संग्रह है महाभोज है उनके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रेमचंद पुरस्कार से उसे नवाजा है। 1983 में फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार से बिहार सरकार ने भी सम्मानित किया है। साधना सम्मान देवरिया कौड़िया संस्थान के द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया है। 1999 में लोहिया सम्मान उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया है। सन 2000 में राहुल संक्रत्यायन पुरस्कार से केंद्रीय निर्देशालय हिंदी द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया है। तो हम कहानी के जो पात्र परिचय है उनके और बढ़ेंगे। कहानी का जो प्रधान पात्र है वह दयाराम है। दयाराम यानी पोस्टमैन। पूरी तरह से कहानी दयाराम के आसपास ही घूमती है। दयाराम पोस्टमैन को ही एक आधार बनाकर, उनको एक नायक बनाकर कहानीकार ने कहानी की रचना किया है। दयाराम के अलावा कहानी में जसो सिंह यानी रतन सिंह के पिता जो सरपंच है उनका जिक्र है। रतन सिंह जो जसो सिंह के जो बेटा है उनका भी, वह सैनिक है, उनका भी जिक्र किया गया। आनंद सिंह जो रतन सिंह का जो छोटा भाई है उनका भी जिक्र है। उनके अलावा धन सिंह हो, कमला हो, पांडे हो जैसे गौण पात्र का भी जिक्र इस कहानी में किया गया है। तो कहानी का प्रधान पात्र दयाराम है, बाकी जो भी है सभी गौण पात्र में आते हैं। दयाराम पोस्ट कहानी का जो प्रधान पात्र है वह दयाराम ही है। रतन सिंह एक फौजी है जो कश्मीर के बॉर्डर पर तैनात है। वह जसो सिंह रतन सिंह का पिता है। कहानी का आरंभ रतन सिंह के खत से शुरू होता है। वह पत्र दयाराम ने पढ़कर सुना रहा है। वह कर्तव्य पर रहते हुए अपने पिताजी के नाम पत्र भेजा है। उस पत्र में वह अपने पिताजी के नाम कुशल समाचार भेजता है। घर में जितने भी लोग हैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता है। पोस्टमैन कहानी जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि यह कहानी उस दौर की कहानी है जब दुनिया में तंत्र ज्ञान इतना आगे नहीं बढ़ा था, न किसी के पास मोबाइल था, न किसी के पास मेल के जरिए हम एक विचार दूसरों को भेज सकते थे। सिर्फ एक ही साधन था जिसे हम पत्र कहते हैं। पत्र के जरिए भी हम एक दूसरे से अपना विषय साझा कर सकते थे। तो दयाराम जो एक पोस्टमैन है, रतन सिंह जो उत्तराखंड को लेकर, उत्तराखंड के उस छोटे एक गांव को लेकर यह कहानी जब लिखी गई है, बेनीनाग हो, मरवाणी हो, उस गांव को लेकर इस कहानी में जिक्र किया है। रतन सिंह जो फौजी है उनके अपने पिताजी जो जसो सिंह के नाम हुआ खत भेजता है। उस खत में उन्होंने सभी का आभार प्रकट किया और सभी को उन्होंने नमस्कार भेजा। रतन सिंह के छोटे भाई आनंद सिंह के विवाह की बात भी उन्होंने उस खत में किया। माँ को भी क्या क्या बनवा लेना चाहिए उन्होंने भी उस खत में उन्होंने जिक्र किया। सब कुछ रतन सिंह ने उस पत्र में उल्लेख किया है। देखिए, दयाराम जो पोस्टमैन है, रतन सिंह के द्वारा उन्होंने खत में उस विषय का जिक्र किया यानी उस खुशी के संदर्भ में, यानी पहली तरफ उन्होंने खुशी प्रकट करते हुए उस वहां से कहानी प्रारंभ किया, लेकिन कहानी का अंत भी उन्होंने खुशी के साथ है। लेकिन कहानी का जो बीच वाला जो भाग है जिसे हम मुख्य भाग कहते हैं, कहीं ना कहीं दुखी की बातें उस कहानी में कहानीकार ने जिक्र किया है। तो आखिरकार पत्र जो पोस्टमैन है
उनके जीवन में कैसे फिर उलटफेर होते हैं, और आखिरकार एक पत्रकारिता जैसे डाकिया उस जो पद पर काम करने वाले लोगों को कैसे कैसे चुनौतियों को सामना करना पड़ता है, वह भी कहानीकार ने इस कहानी में बताने का प्रयास किया है। दयाराम इस कहानी में डाकिया है, वह गांव गांव जाकर पत्र देता है और पढ़कर सुनाता भी है। कोई भी मनी ऑर्डर आता है तो लोग उसे गांव की महिलाएं उन्हें दक्षिणा देकर तिलक लगाते हैं। लोग दयाराम को भगवान मानते थे। दयाराम बेनीनाग यानी डाक पोस्ट ऑफिस के वह डाकिया है, जैसे बेनीनाग का जिक्र किया गया है। ये जो दयाराम है वह जिनका भी खाता आता था घर जाकर पहुंचाता था और प्रकट बताता था। किसी का अगर मनी ऑर्डर आता था वह देता था और कुछ उनके बदले कुछ गांव के लोग महिलाएं उन्हें कुछ दक्षिणा देकर भी उन्हें तिलक लगाती थी, इसका जिक्र। जैसे पहले ज़माने में डाकिया जो होता है उन्हें तो भगवान के बराबर ही माना जाता था, तो उसका भी जिक्र इस कहानी में किया गया है। कमस्यारी गाँव का भी जिक्र है। कमस्यारी गाँव और मरवाणी गाँव दयाराम के अधीन आते हैं। उस वक्त गांव के बहुत सारे युवा सेना में भर्ती हुए थे। कश्मीर का लड़ाई का समय था, युद्ध का माहौल था, रोज जान नुकसान की खबरें आती थी पत्रों में। हिटलर के गांव की महिला, हिटलर को तो गांव की महिला तो बहुत गाली दी थी। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं हिटलर का भी जिक्र कहानीकार ने किया है। जैसे हिटलर हम सभी जानते हैं वह एक डिक्टेटरशिप राजा थे जिन्होंने जर्मनी को पूरी तरह से अपने दांव लगाया, और द्वितीय विश्व युद्ध होने में प्रमुख रोल तो हिटलर का ही था। तो द्वितीय युद्ध के बाद जब भारत देश आज़ाद हुआ तो भारत देश के महिलाएं, भारत देश के लोग हिटलर को लेकर वह भलीभांति परिचित थे कि हिटलर ने भी सब कुछ युद्ध के लिए जिम्मेदार हिटलर ही है, ऐसे गांव के महिलाएं मानती है और हिटलर को गाली देती है। हिटलर मरे आज तो बहुत सारे साल बीत चुके हैं लेकिन लोग तो हिटलर को ही गाली देते हैं, इस तरह से कहानीकार ने इस कहानी में उल्लेख किया है। देश आजाद हो चुका था फिर भी लोग उस वक्त भी हिटलर को ही भला बुरा कहते थे। एक बार दयाराम धन सिंह के बेटे का पत्र लेकर मरवाणी गांव जाता है तो धन सिंह का बेटा फौज में था। दयाराम खत पढ़कर सुनाता है कि धन सिंह के बेटे की मृत्यु का समाचार जैसे उन्होंने सुनाया, धन सिंह की बहू ने दयाराम को मारने दौड़ी और दयाराम वहां से जान बचाकर भागते हुए कामयाब हो गए थे। उसके बाद धन सिंह की बहू ने दयाराम को बहुत गाली दिया था, मर जाए पोस्ट में, उनके घर के भी तो दिया बुझ जाए। देखिए यहाँ पर जिस तरह से दयाराम एक पोस्टमैन है, वह अपना काम जैसे करता है, अगर वह खुशी की खबर जब लाता है तो लोग उसे दक्षिणा देते हैं, उनके साथ उन लोगों का जो व्यवहार है अच्छा रहता है। जब वह किसी पत्र में जब दुखी की बातें जब लाता है, यानी वह खत जब लाता है, जब वह पढ़ के सुनाता है तो लोगों में एक तरह से गुस्सा आता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। धन सिंह का जो बेटा है फौज में मारा गया है, वह पत्र उन्होंने पढ़कर बताया और दयाराम की बहू ने न जाने पोस्टमैन दयाराम को भला बुरा कह दिया और यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि मर जाए पोस्टमैन और उनका भी घर का दिया भी बुझ जाए। उन दिनों से लोगों के मन में दयाराम के जब भी खत लेकर गांव जाता था तो एक डर का सोच बैठ गया था। इधर दयाराम भी परेशान था कि दयाराम कहता था कि मैं तो किसी को नहीं मारा है, आखिर मेरा क्या गलती है। उस घटना के बाद दयाराम किसी भी खत लेता था तो पढ़कर सुनाता तो बहुत डरता था। एक दिन कुछ दिनों के बाद रतन सिंह का भी खत आया। जैसे रतन सिंह कहानी का जो शुरुआत में रतन सिंह का ही खत का जिक्र है, वही रतन सिंह का एक दिन खत आया। जब वह जसो सिंह के घर जाकर पढ़ना शुरू किया तो उस वक्त में जसो सिंह का भी पूरा परिवार खामोश हो गया, पूरे परिवार में दुख लहर दौड़ी। उस दिन भी दयाराम को गाली गलौज सुनना पड़ा था। वह घटना के बाद दयाराम अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में भी सोचता है। पिताजी की नौकरी दयाराम को मिली थी, मैट्रिक पास करके दयाराम बेकार बैठा। देखिए यहाँ पर कहानीकार ने यह बताने का प्रयास किया है कि एक दिन जैसे धन सिंह की बहू के साथ हुआ तो इस तरह से जब दुखी की बातें वहाँ पर घटनाएं खत में जब आता था तो दयाराम काफ़ी डर चुका है। जो वह घटना उन्होंने जब धन सिंह की घटना जब पढ़ा था तो उनकी जान के लिए भी एक खतरा हो चुका था। तो इस कहानी में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पूरा गाँव, पूरा जो एरिया है, पूरा जो प्रदेश है, कहीं ना कहीं वहाँ के युवा बड़ी संख्या में वह फौज में भर्ती होते हैं। तो 1948 की बात हो, 1962 की बात हो, 48 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, 62 में इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ, 65 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, बहुत सारे सैनिक हमारे मारे गए,
तो काफी लोग हमारे सैनिक जब मारे जाते हैं तो उनका जब खत आता था उसी खत का जब जिक्र कहानीकार यहाँ पर करते हैं कि आखिरकार जब खत आता था तो पढ़कर जब बताता था तो लोगों में एक तरह से दयाराम को लेकर ही गुस्सा था। उस दिन से दयाराम को वह कई बार यह भी सोचता है दयाराम की भी नौकरी भी छोड़ जाऊँ क्या करूँ ऐसा भी सोचता है। उस दिन से दयाराम को उस कमसारे गांव की तरफ कोई पत्र नहीं लाना बहुत डर लगता था। उस घटना ने दयाराम को काफी सबक मिला था। इसी बीच दयाराम ने एक खुशी की खबर लाया। जसोत सिंह की बेटी जो अल्मोड़ा में रहती है उनका पुत्र हुआ है। दयाराम ने घर जाकर यह खबर सुनाया। यह खबर जसोत सिंह के घर परिवार को खुश हो जाती है। जैसे यहाँ पर जसोत सिंह के बेटे रतन सिंह की जो मारे जाने की जो खबर है, और दूसरी तरफ उसी जसोत सिंह की बेटी जो अल्मोड़ा में रहती है उनका पुत्र संतान हुआ है। वह खबर जब दयाराम जसोत सिंह को जब सुनाता है तो वह घर वाले काफी खुश हो जाते हैं। यह खबर जसोत सिंह घर परिवार को भाई खबर खुश कर देती है। दयाराम को पेट भर खीर खिलाया गया उस दिन, और बाद में 54 दक्षिणा देकर तीर्थ लगाकर वह विदा किया गया। इस खुशखबरी के साथ कहानीकार ने इस कहानी का अंत किया है। डाकिया दयाराम की मानव स्थिति और संदर्भ के अनुसार पत्र समाचार सुनाना, इन सब बातों को कहानी में उल्लेख किया गया है। ग्रामीण जीवन और इनके रहन सहन का भी इस कहानी में बताने का प्रयास कहानीकार ने किया है। देखिए इस कहानी में पोस्टमैन कहानी में कहानीकार ने आखिरकार एक डाकिया जो एक ड्यूटी निभाना है, एक पोस्टमैन की ड्यूटी कितने रिस्क की होती है उसे भी बताने का प्रयास किया है। और आखिरकार वो जो एरिया है जिस दयाराम का जो कहानीकार उल्लेख किया है वो एरिया उस प्रदेश में काफ़ी युवा फौज में भर्ती है तो न जाने युद्ध का माहौल, और महिला बार बार उस पत्रों में यह मरने की खबर आना, और कई खुशी की खबर आने के बाद जब उसे दक्षिणा देकर तिलक लगाना और उस पोस्टमैन को खाना खिलाना उनका इज्जत करना, दोनों घटना। पोस्टमैन जब दुखी की खबर लाता है तो लोग कैसे गुस्सा हो जाते हैं, उनको कैसे गाली देते हैं। जब वह खुशी की खबर लाता है तो किस तरह से उनके साथ लोगों का जुड़ा होता है, दोनों घटना का बताने का प्रयास कहानीकार ने किया है इस कहानी में। यह थी कहानी पोस्टमैन, और कहानीकार थे शैलेश मटियानी। सभी को यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। सभी को धन्यवाद।